करी थी, इसको सुनते कैसे हैं लोग, इसको इसको साले को बैन करो ऐसी की तैसी, ये बात करता भी कैसे है यार क्रिकेट की, इसके मुंह से निकल। 35 साल का है भाई, ये 36वीं बार देखेगा, ये आज का प्लेयर नहीं है शेल्डन जैक्सन। अबे वो जिसकी 2013-14 में आरसीबी ने लिया था, इसके बारे में नहीं जानते, मरा रहे हो वहां बैठ के तुम क्या प्रोग्राम में। 6 मिलियन के लोगों में ये छक्का क्यों बैठा हुआ है, 6 मिलियन के लोगों में ये छक्का क्यों बैठा हुआ है, इस छक्के को मारो पकड़ के। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसके मुंह से एक तो मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने कभी नहीं ये चीज कही, बट इस बार मैं कहना चाहूंगा, ये हिपोक्रेसी जो है ना, कई ऐसे लोग वहां पे बैठे हैं पाकिस्तान में YouTube चैनल चलाते, कई बहुत अच्छे हैं, मैं कहता हूं बहुत अच्छे हैं, जो इक्का दुक्का है ना, प्लीज आइडेंटिफाई देम, जो ये तमाश भी नहीं करते हैं, जो वहां पे बैठ के हिंदुस्तानी बने हुए हैं, जो ये दुनिया को बताते हैं ये सौराष्ट्र का प्लेयर है, ये प्लेयर जो है वो रिद्धिमन साहा के साथ ये बुरा हुआ, इतनी मिर्च लगती है ना इंडिया की, ले लो सिटीजनशिप, यहीं आके रह लो। और इतनी मतलब मैं हैरान हूं इन लोगों को देख के, कईयों को पिछले 2-2.5 साल से, बिकॉज जब कोविड हुआ था कई सारे ऐसे थे जो जिनके लिए मैंने इतने सारे फ्री में, मतलब फ्री में ही, मतलब क्या आउट ऑफ रिलेशनशिप, अरे विक्की भैया आइए, भाई आइए, गुजारिश है, दरख्वास्त है, 5 मिनट निकालिए आपके सामने जी, बिल्कुल बिल्कुल। आज आप लोग जो है वो चंद रुपयों के लिए, व्यूज के लिए, रोजी रोटी के लिए ये हरकतें करते हो। मैं चाहता हूं हमारे लोग भी ना आइडेंटिफाई करें, अच्छे को भी आइडेंटिफाई करें, उनको आप इंकरेज कीजिए, बहुत अच्छे लोग हैं, जो ये है ना ब्लैक शीप उनको भी कीजिए। फैंस हैं भले वो पाकिस्तान में इंडिया में हो, प्लीज आइडेंटिफाई दी ब्लैक शीप, अगर हमारे से गलती है हमें सजा दे दो भाई, पर ये तमाश भी नहीं, हमने तो नहीं की है कभी किसी के बारे में, और मैंने कभी, हमने तो यहां पे बैठ के, हमारे किसी इंडियन यूट्यूब चैनल ने, किसी ने भी, किसी को कोई लेना देना भी नहीं होता कि किसी पाकिस्तान की क्रिकेट पे पाकिस्तान के चैनल ने कुछ कहा हो और हम यहां पे बैठ के बताए, अरे तुम्हें नहीं पता क्वेटा कहां पे होता है, चारकोण कहां पे होता है, बदतमीजी है यार। ये वो लोग हैं जो हाथ जोड़ जोड़ के कहते थे प्लीज आइए, आज वो कह रहे हैं कि वो उसकी टोपी ऐसी है, उसका वो ऐसा है, अरे नहीं एक क्लिप काट के ना, ए और जितना भी है ये उन दोनों को भेज देना, आई वॉन्ट, वो तो पता, मेरे पास उनके व्हाट्सएप मैसेजेस पड़े होंगे अभी भी, शेयर कर दीजिए। नहीं वो कि ये प्लीज ये पेट्रोल, एक बार मैंने पेट्रोल पंप पे खड़े होके कोविड के टाइम पे पेट्रोल पंप पे खड़ा होके बैठ के पेट्रोल पंप पे आई डिड मालिक के केबिन के अंदर बैठ के 30-40 मिनट का उनके लिए, मैंने कहा चलो यार कोई बात, इनको वादा किया हुआ है, तब हम तब पता क्या कहते, अरे आपने वादा किया था, आपने वादा किया था, हमने कहा चलो यार कोई बात नहीं। देर आर अ फ्यू जिनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हुई बाद में, आई ऑल्सो रियलाइज कि नहीं यार ये लोग अच्छे हैं यार, मतलब ठीक है यार कोई बात नहीं, हो जाता है, एंड वी मेड अप। और अनिल जी मेरी आपसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि आप अगर अपना डोमेस्टिक क्रिकेट फॉलो नहीं कर सकते हैं तो प्लीज पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स देखा जी, वहां पे सब कुछ पता चल जाएगा, वहां पे आपको सब कुछ दरख्वास्त को आशीर्वाद कई बहुत अच्छे हैं मैं मानता हूं, बट ये अब मैं ना 2-2.5 साल से ये देख रहा हूं, एंड आई डोंट थिंक कि आई नो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, आई नो नाउ, आज पता लगा। नहीं मैं फिर भी बहुत लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा देता रहा देता रहा देता रहा, अरे मुझे ये नहीं समझ, मुझे ये नहीं समझ आया इन इन ये इन लोगों को कम मिर्च, उस दिन रिद्धिमन साहा के मसले पे क्यों मिर्च लगी थी, एंड द काइंड ऑफ लैंग्वेज दैट दे यूज, तो आज आज यूज ये लैंग्वेज यूज करते हैं वो बंदे, मवालियों वाली लैंग्वेज, और गली के मवाली हैं जो इस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं, ये तो दे विल स्टार्ट अब्यूजिंग, ये मां बहन की गालियां देनी शुरू कर देंगे यार। नहीं नहीं उनको शर्म आनी चाहिए अगर पाकिस्तान में बैठ के वो अपने मुल्क का ही आपको बड़ा नाम रोशन कर रहे हो, वहां बैठ के बस यही करते रहो इंडिया इज ग्रेट इंडिया इज ग्रेट, खत्म। अपनी टीम जीतती है अपनी टीम को तब भी गाली देते हैं, नंबर्स नहीं आते हैं, प्लीज आइडेंटिफाई सच पीपल यार, आप लोग भी सब, मेरा ये आप लोगों से है। नहीं आप आइडेंटिफाई करके करना क्या है, सीधे ब्लॉक देम, ब्लॉक देम, hurt them where it hurts, matters. But एक बात बोलूं आपको, मैं नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा मैं किसी की, उस इंसान की जुर्रत कैसे होगी अनिल के बारे में अनबंड उसने इस तरह की बातें कर दी, हिम्मत कैसे होगी उसकी, हाउ डेयर ही, नहीं वो गलत है तो हाउ डेयर ही, वो ठीक वो गलत है, वो बड़ा वहां पे उसको हर्ट हो गया कि सौराष्ट्र का प्लेयर को आइडेंटिफाई नहीं किया, कोई इंडियन जर्नलिस्ट कहे, सबने कहा है, मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं मानता हूं, देख वो मजाक उड़ाए हमारा ठीक है, उस उन दो शख्सों की हिम्मत कैसे हो गई,
द काइंड ऑफ लैंग्वेज दे यूज मवालियों की तरह. नहीं आई वो गलत बात है बट आई थिंक ये भी नहीं करना चाहिए कि किसी की किसी मैंने कुछ नहीं कहा. मैंने कहा आइडेंटिफाई करो ऐसे लोग. एक बात आप ये मवालियों वाली लैंग्वेज नहीं चलेगी. ये जो मीठे मीठे बन जाते हैं अगर आप मुंह में अंदर से क्या होते हैं ये बोल रहे हैं ना कि आइडेंटिफाई देम तो आई थिंक मेरे हिसाब से वो बेहतर होगा कि आप उनका नाम लेके बोले. क्योंकि क्या होता है जब मुझे नाम भूल गए. नहीं नहीं नाम बट ये है कि आइडेंटिफाई में पता चला बहुत लोग ब्लॉक. नहीं नहीं लोगों को सब पता है पाकिस्तान में बेचारे जो एक बात बताऊं जो अच्छा पाकिस्तान हो इंडिया हो अनसब्सक्राइब हो गए. पाकिस्तान हो इंडिया हो हर कोई हर चैनल को देखता है. ऐसा नहीं है ये नहीं कि सिर्फ स्पोर्ट्स तक ही देखेंगे जी और कुछ नहीं. सबको सब कुछ पता है. सबको सब कुछ पता है कौन क्या कर रहा कौन क्या नहीं कर रहा. मैं फिर ऑन रिकॉर्ड कहता हूं कई ऐसे हैं वहां पे पाकिस्तान में जो एक्चुअली जेन्यूनली क्रिकेट की बड़ी अच्छी बात करते हैं और इसीलिए पाकिस्तान से भी कई लोग हमारी तारीफ करते हैं बिकॉज हम भी जेन्यूनली कई बार अच्छी बातें करते हैं. बट नोबडी कैन यूज दिस लैंग्वेज. मेरे कलीग के बारे में कोई मवालियों की तरह अगर बोलेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा. I may have to call him out. Let me see how these guys respond. Let them respond. मैं कल नाम लेके उनका मैं करता हूं. मैं निकालता हूं उनके सारे. ये मवाली हैं.